सिद्धार्थ जी आपसे ही करूंगा। कल सबसे पहले तो आपको बधाई, तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है, लेकिन अभी शपथ ग्रहण समारोह से पहले ये जो नाराजगी देखने को मिली, ये तो हमें दो कार्यकाल में बिल्कुल नजर नहीं आई। तो इस बार ये तो मानना पड़ेगा आपको, विरोध इसी तरह से सुनना पड़ेगा। अभी सिर्फ एक सीट वाली एनसीपी की तरफ से ये सामने आया, कल को हो सकता है जेडीयू की तरफ से आए, क्योंकि अभी तो आपको पोर्टफोलियो भी बांटना है। देखिए रवि जी, जब से जनता ने अपना मैंडेट दिया और 1962 के बाद तीसरी बार किसी प्रधानमंत्री को पुनः इस देश की बागडोर सौंपी, उसी दिन से हम लोग ये सुनते आ रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है, आपको हो सकता है इसके लिए तैयारी रखनी पड़े, मंत्रिमंडल में तो बहुत खींचतान होगा, जेडीयू तो कुछ ऐसा मांग लेगा, टीडीपी तो कुछ ऐसा मांग लेगा। पहले दिन से हमारे नेताओं ने बोला हमारे को एनडीए का नेता चुनने में कोई समस्या नहीं हुई, पार्टी का लीडर चुनने में कोई समस्या नहीं हुई, प्रधानमंत्री के चयन में कोई समस्या नहीं हुई। हमारे सभी घटक दलों ने एक स्वर में कहा, उन्होंने आकर के कहा कि इस देश का जो 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में रहा है, उसी ट्रैक रिकॉर्ड को हमें आगे बढ़ाना है और उसका हम समर्थन करते हैं और हम एक साथ हैं, अंत तक हैं और बिल्कुल इस सरकार को बहुत अच्छे से आगे चलाएंगे। पर अटकलों का बाजार तो फिर भी शांत नहीं हुआ। कहा गया था कि अभी मंत्रिमंडल पे ऐसी बार्गेन की जा रही है, ये मांगा जा रहा है, वो मांगा जा रहा है। मैं मानता हूं रवि जी, ये बातें अब दूर हो चुकी है, ये नरेंद्र मोदी जी की 3.0 की हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। एनडीए की एक मजबूत सरकार है, यह सरकार वो है जो जन हितैषी फैसले लेने के लिए तैयार है, जो जन कल्याण को प्राथमिकता रखते हुए देश को मजबूत करके एक महाशक्ति के रूप में दुनिया में उभार के लाना चाहती है। ऐसे छोटे विषय, कौन ये मंत्रालय मांगेगा, क्या लड़ाई होगी, ये होगा, ये सब दिन गए, ये सब यूपीए में हुआ करता था, ये तब हुआ करता था जब लोग आप कह रहे हैं कि अजीत गुट की नाराजगी बहुत छोटी बात है। नहीं, मैं ऐसा कह रहा हूं कि जो नाराजगी, जिसको आप नाराजगी मान रहे हैं, वो नाराजगी नहीं है। हमारे घटक दल सब हमारे साथ हैं, सब लोग बिल्कुल एक साथ एक स्वर में हैं। कोई बात कहीं कोई निकल कर आए, उसका आप क्या अर्थ निकाले, वो आपको स्वतंत्रता है। पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सभी घटक दल वो बिल्कुल अपने क्लियर एजेंडा, क्लियर विजन के साथ हैं, देश को महाशक्ति बनाना है। लेकिन सिद्धार्थ जी, क्लियर जो फॉर्मूला आपने सरकार बनाई है, जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, उसमें चीजें कुछ क्लियर नहीं है। हम पार्टी, जैसे राजीव भी सवाल उठा रहे थे, हम पार्टी की तरफ से एक सांसद हैं, उनको आपने कैबिनेट रैंक दे दिया। उधर से प्रफुल्ल पटेल कह रहे हैं भी बेशक हमारी पार्टी से भी एक है, हमें भी तो कैबिनेट रैंक मिलना चाहिए ना। ये फॉर्मूला क्या है, किसी को आप स्वतंत्र प्रभार दे रहे हैं, किसी को कैबिनेट रैंक दे रहे हैं? ये फॉर्मूला मोदी का फॉर्मूला है रवि जी। ये फॉर्मूला अगर आप समझ जाते तो सरकार यूपीए की होती। ये सब बाजार अटकलें बंद हो चुकी, ये अफवाहें सब जा चुकी। ये प्रधानमंत्री जी ने दो बार जैसी सरकार चलाई, आपने कितना फॉर्मूला समझने की कोशिश करी थी, समझ पाए थे क्या आप? कौन समझ पाया था? ये कोई समझने की बात नहीं है। जब सरकार की प्राथमिकता कुछ और हो, सभी घटक दलों को साथ लेकर के, सबको कॉन्फिडेंस में लेकर के, आप ऐसा भी मत मानिए कि ये फैसला कहीं एक जगह से हुआ है या एक पार्टी से हुआ है, ये पूरे एनडीए का फैसला है। मंत्रिमंडल सबसे बैठ करके चर्चा हुई और सभी घटक दलों की सहमति के बाद ये फॉर्मूला। सिद्धार्थ जी, ये तो आप जनता को दिखाने के लिए एक फॉर्मूला निकाले कि सभी खुश हैं, सभी कुछ मान गए हैं। फॉर्मूला पहले ये था कि आपके पास पूर्ण बहुमत था, आप जिसको ऑर्डर देते थे, जिसको जो मंत्रालय थमा देते थे, वो मान जाता था। इस बार चीजें बदली हुई हैं, आपके पुराने वाले फॉर्मूले नहीं चलेंगे कि आपने जिस मर्जी को जो दे दिया, इसलिए। और ये अफवाहें नहीं है, प्रफुल्ल पटेल का कैमरे के सामने बयान सामने आया है। देखिए रवि जी, हमने, हमारी सीटें कुछ कम आई, हम पूर्ण बहुमत से कम रहे, एनडीए को देश की जनता ने पूर्ण बहुमत से भी 20 सीटें ज्यादा दी, हमें एज एनडीए अलायंस, प्रीपोल अलायंस, हमने सरकार बनाई, क्या समस्या आई है? कल मंत्रिमंडल की शपथ हो गई, तीसरी बार इस देश में फिर एक प्रधानमंत्री ने देश की बागडोर को संभाला है, इतिहास रचा गया है, क्या समस्या हुई? कोई समस्या नहीं है। मैं कहता हूं कि यह टीवी के लिए अच्छा है, कई बार टीआरपी के लिए अच्छा है, पर यह सरकार के लिए कोई चिंता का विषय नहीं है। पर हाँ, चर्चा यहां पे हम चलाए रख सकते हैं। ठीक है, चर्चा यही हमारा काम है, सवाल उठाना और भविष्य की ओर देखना।